एक बहुत स्मार्ट सा लड़का होता है विराज और उसकी बहुत क्यूट सी बेटी होती है माही। माही के हाथ में प्रॉब्लम है। ऐसे में विराज माही का बहुत ध्यान रखता है, उसकी हर एक बात मानता है, उसे हर एक रात एक स्टोरी सुनाता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि विराज के हर स्टोरी में माँ का कैरेक्टर नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि माही की माँ वर्षा उसके पास नहीं है। एक दिन माही उदास होकर स्कूल से वापस आती है। विराज उससे पूछता है क्या हुआ। माही बताती है कि उसके स्कूल में एक लड़का है जो उससे 1% सादा मार्क्स लाया है और क्लास में फर्स्ट आया है। पहले तो विराज माही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब माही नहीं मानती है तब विराज शांत हो जाता है। रात में माही विराज से जिद करती है कि मुझे अपनी माँ वर्षा के बारे में जानना है। विराज माही को कुछ नहीं बताना चाहता है। ऐसे में वो माही से कहता है पहले क्लास में फर्स्ट आओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी माँ वर्षा के बारे में बताऊंगा। माही बहुत मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई करती है और फर्स्ट आ जाती है। माही पूरे दिन विराज का घर आने का इंतजार करती है। जब रात में विराज थक हार कर घर आता है तब माही उसे बताती है पापा मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, मुझे अब मेरी माँ वर्षा के बारे में बताओ। विराज थक जाता है, वो माही पर चिल्ला देता है और अपना प्रॉमिस तोड़ देता है। वो माही को माँ वर्षा के बारे में कुछ नहीं बताता है। ऐसे में माही बहुत उदास हो जाती है। माही अगले दिन अपने डॉगी प्लूटो को अपने साथ लेती है और घर से भाग जाती है। विराज परेशान हो जाता है, वो इधर उधर माही को ढूंढता है और तभी विराज के फोन पर मृणाल का फोन आता है। मृणाल विराज को बताती है कि माही उसके पास है। जब तक विराज माही के पास पहुंचता है तब तक मृणाल और माही बात कर चुके होते हैं और माही मृणाल को सारी बातें बता चुकी होती है। ऐसे में विराज के आते ही मृणाल और माही दोनों उस पर प्रेशर डालते हैं कि उन्हें माँ वर्षा के बारे में जानना है। विराज को मजबूरी में माही को सब कुछ बताना पड़ता है। माही मृणाल को अपनी माँ वर्षा के रूप में इमेजिन करती है और मृणाल भी अपने आप को वर्षा मान बैठती है। विराज माही और मृणाल को बताता है कि उसकी और उसकी माँ की मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। परिवार से लड़ने झगड़ने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। शादी करने के बाद मृणाल ने माही को जन्म दिया। जब माही पैदा हुई तब उन्हें पता चला कि माही के हार्ट में फोल्स हैं। वर्षा टूट जाती है। वर्षा कहती है काश मैं तुमसे मिली ना होती, काश मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता, काश मैंने तुमसे शादी ना की होती, काश मैंने माही को जन्म न दिया होता। माही रोने लगती है और विराज को गले लगा लेती है। माही कहती है बस करो पापा, कुछ मत बोलो। माही मृणाल से दूर हो जाती है क्योंकि माही ने वर्षा को मृणाल के रूप में इमेजिन किया होता है। मृणाल भी गिल्टी फील करने लगती है। विराज माही को चुप कराता है और उसे कार में सुला देता है। मृणाल विराज के पास आती है और उससे पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ था। विराज कहता है एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वर्षा की डेथ हो गई थी। मृणाल रोने लगती है। वो उस स्टोरी की वजह से माही से बहुत अटैच हो जाती है और बार बार माही से मिलने की कोशिश करती है। विराज अपने दोस्त को बताता है कि उसकी मुलाकात मृणाल से हुई थी और तब ऑडियंस को पता चलता है कि मृणाल और वर्षा एक ही हैं। उस एक्सीडेंट के बाद मृणाल की डेथ नहीं हुई थी, मृणाल की याददाश्त चली गई थी और विराज ने मृणाल की माँ के कहने पर मृणाल से दूरी बना ली थी। विराज माही और मृणाल को दूर करने के लिए माही के साथ गोवा चले जाता है। माही विराज से छुप कर मृणाल से बात करती है और बताती है कि उसके पापा उसका बर्थडे भूल गए। मृणाल गोवा आती है और सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखती है। वो माही को बताती है कि ये बर्थडे पार्टी उसके पापा ने रखी है। माही खुश हो जाती है और विराज मृणाल को देखकर इमोशनल हो जाता है। गोवा में मृणाल को विराज से प्यार हो जाता है। वो विराज से पूछती है कि वर्षा कैसी दिखती है। जैसा जैसा विराज उसे बताता है मृणाल अपना लुक वैसा वैसा कर लेती है। मृणाल की माँ को विराज और मृणाल के बारे में पता चल जाता है। वो मृणाल के मंगेतर, जी हाँ उसके मंगेतर के साथ गोवा जाती है और दोनों की शादी रखती है।
माही मृणाल से मिलने के लिए अकेले निकल जाती हैं। मृणाल और माही तो नहीं मिलते हैं, लेकिन माही और मृणाल की माँ की मुलाकात ज़रूर हो जाती है। माही की नानी गुस्से में माही को सब बता देती है। वो उसे बताती है कि मृणाल ही उसकी माँ है, और ये बात मृणाल को इसलिए नहीं बताई क्योंकि माही बीमार है और अगर माही को कुछ हो गया तो मृणाल टूट जाएगी। माही ये सुनकर अपने पापा के पास चली जाती है और रोने लगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो अपने पापा को छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी। इसके बाद माही बेहोश हो जाती है। विराज उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन गोवा के हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होता। इसके बाद दिखाया जाता है कि